हेलो दोस्तों, वर्क शीट टू बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ। पहले जैसे 3 × 4 = 12 होता है, तो 3 और 4 का ये 12 जो है ना, क्या मल्टीपल है, मतलब इसका ये मल्टीपल है, लेकिन ये 12 का ये दोनों क्या है, फैक्टर है ना। तो 12 का फैक्टर 4 भी है और 12 का फैक्टर 3 भी है। तो ये दोनों का ये मल्टीपल, इसका ये फैक्टर, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी से रिलेटेड यहाँ बनेगा। तो यहाँ पहला नंबर में बोला है 3 × 6 = 18। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 6, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 7 × 8 56 होता है, तो 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और 8, दिक्कत। उसके बाद है 9 × 15 = 135। डैश इज अ मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल ऑफ 9 और 15, अभी जस्ट मैंने बताया मल्टीपल इधर बड़ा वाला होता, तो ये 135 मल्टीपल है। 21 × 6 = 126। फिर यहाँ डैश इज अ मल्टीपल ऑफ, तो यहाँ 126 इज अ मल्टीपल ऑफ 21 और 6, दिक्कत। यहाँ है 3 × 5 × 7 105 होता है, तो 105 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका है, 3 का 5 का और 7 का, तीनों का ये मल्टीपल है। उसके बाद 11 × 8 × 2 176, तो 176 इज अ मल्टीपल ऑफ 11 और 2। उसके बाद बोलता है इज 24 अ मल्टीपल ऑफ 24, ऑफकोर्स यस होगा इसमें, क्योंकि 24 करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इज 61 अ मल्टीपुल ऑफ 61, ये भी यस होगा, क्योंकि 61 × 61। उसके बाद होगा इज 47 इज अ मल्टीपुल ऑफ 1 का भी मल्टीपुल होगा, 1 को 1 पढ़ेंगे 74 पर तो भी आएगा, तो ये तीनों ऐसी है। उसके बाद 5 × 4 × 3, तो 60, तो डैश इज अ मल्टीपुल ऑफ, तो कितना, 60 इज अ मल्टीपुल ऑफ 4, 5 और 3। नेक्स्ट है दोस्तों, इज 19 अ मल्टीपुल ऑफ 2, 19 2 का मल्टीपुल है, तो नो होगा, क्योंकि 2 1 जा पढ़ेंगे 19 आएगा नहीं, 2 9 जा 18 आता है, 2 10 जा 20, क्योंकि 19 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नो आंसर हुआ। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।